हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, सिर्फ सीधी पट्टी की हेल्प से हमने इसे बनाया हुआ है। आप भी बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। और ये देखिए, 6 नंबर के कान्हा को मैं पहना रही हूँ। मैंने वीडियो के एंड में आपको बताया है कि आप इसे किस तरह से 5 नंबर को भी पहना पाएंगे, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये हम ऐसे करके पीछे से वेलक्रो लगा देंगे। पीछे से देखिए, कुछ इस तरह का लुक आएगा हमारी ड्रेस का। और फ्रंट से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, कुछ ऐसा सा आएगा। बहुत खूबसूरत सी इसकी फ्रिल आती है। ये देखें कितना सुंदर लग रहा है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritifashionvilla50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे येलो कलर में अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई बताऊँ, सॉरी चौड़ाई बताऊँ, तो देखिए 2.5 इंच है। और लंबाई मैंने यहाँ पे 35 इंच की पूरी अर्ज थी, पूरी अर्ज ही कट कर ली, क्योंकि हमें 35-35 इंच का कई सारा पीस ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, हम पहले इसे इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे करके हम फ्रिल बनाएंगे। हम यहाँ पे थोड़ी सी घनी ही फ्रिल बनाएंगे, बहुत हमें यहाँ पे दूर दूर नहीं बनाना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 3-4 फ्रिल बनाई है। इसे ऐसे सिल लूंगी। लास्ट प्लीट हमारी जो ही स्टिच होगी, सुई हमारी अंदर जाएगी, जिससे जब हम पीछे से उठा के इसे खींचे भी तो निकले ना। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपनी 3-4 प्लीट डाल देंगे। बहुत इजी है गाइस, एकदम आसान तरीके से आप भी इसे बनाइए। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने फिर से 3-4 प्लीट बनाई और इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी, ये ऐसे करके। ये देखें, ऐसे करके हम यहाँ पे अपनी सारी प्लेट बनाएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या। ये देखिए, हमने प्लेट बना दी है। अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे कि कितना लंबा आया है, तो देखिए लगभग 6 इंच लंबा आया है। जो 1/2 इंच ये देख रहे हैं, ये भी ये इस तरह से कर दे तो आप, ये एक्स्ट्रा है ये फैब्रिक, क्योंकि हम प्लेट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के सिलते हैं। अब देखिए, इतनी चौड़ी प्लेट हमें नहीं चाहिए, हमें पतली चाहिए, तो हम यहाँ बीच से एक सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अगर पहले ही हम पतला फैब्रिक लेके प्लेट बनाएंगे तो हमारी प्लेट ही नहीं बनेगी, इतना पतला हो जाता है कि ऐसे प्लेट बनाते ही नहीं बनती है। तो इसीलिए हम चौड़ा लेके और फिर उसे कट करके छोटा कर लें। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पहले से देखिए काफी लंबी प्लेट बना के रखी हुई है। बस इस पे देखिए, ये इस तरह से हम इसे ऐसे रख के और ज्वाइंट कर लेंगे, तो देख के पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने ज्वाइंट किया हुआ है और ये हमारा लंबा भी हो जाएगा। ये देखिए, बस यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा के हमने ज्वाइंट कर लिया। ऐसे ही हमने लंबी लंबी फ्रिल 2 कलर में बनाई हुई है। और नीचे से हमने फोल्डेड वाला ही फैब्रिक रखा है, जिसे कहीं से भी हमारा रेसा वगैरह ना निकले, आप लॉन्ग टर्म तक पहना पाए ड्रेस। तो देखें, 2 कलर में मैंने बनाया हुआ है। अब चलिए हम अपना नीचे वाला बेस रेडी करते हैं, उस पर हम इसे लगाएंगे। तो बेस रेडी करना बहुत इजी है, बहुत इतना आसान तरीका बताऊंगी आज आपको। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अस्तर का ही फैब्रिक लिया है। लंबाई अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो देखिए 9.5 इंच, और चौड़ाई भी हमारी 9.5 इंच है। हमें क्या करना है, इसे हम इस तरह से ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। और ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ से हम इसे मोड़ेंगे, ये इतना, ये देखें इतना हमने मोड़ा है। आधे से थोड़ा सा हमारा अधिक यहाँ पे निकला हुआ है, तो हल्का सा इसे हमें कम करना है, बस इतना सा निकला रहे। ये देखिए, इतना सा हमारा निकला रहे, बाकी का हम कट कर देंगे। ये देखिए, यहीं से हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारा हो गया कट। अब हमें क्या करना है, इसे देखिए ये इस तरह से मोड़ना है, और यहाँ पे जो इतना ज़्यादा तिरछा आ रहा है, ये भी हमें कम करना है। तो यहाँ से देखिए, एकदम ऐसे ही लगाएंगे कैची, और यहाँ से बहुत एक्स्ट्रा जो तिरछा है उसे कट कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह का हो गया। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसे पलट देना है। चलिए एक सिलाई लगाती हूँ और एक चीज़ और। सिलाई लगा के पलटने के पहले हम अपनी चोली भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं, उसके बाद हम सिलाई लगा के पलट देंगे। तो चोली के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ये पीस लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है मैंने 3 इंच, और यहाँ पे
जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 4.5 इंच करीब में। हम इसे इस तरह से ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पे ऐसे 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 3 साइड से सिलाई लगाएंगे। चलिए लगाती हूँ। ये देखिए 3 साइड से सिलाई लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा ही कट कर दिया है एकदम। अब अगर इसकी चौड़ाई दिखाऊं तो देखिए 1.75 इंच इधर से है, मैं इसे 1.5 इंच और 2 इंच के बीच में जितना आता है। और अभी हम इसकी लंबाई भी कम करेंगे, पहले हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से करके पलट देना है, बहुत ईजी होता है पलटने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखें कितना ईजीली हमारा ये पलट गया है पूरा। और पलटने के बाद जो लंबाई है वो भी हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, यहाँ पे जो लंबाई है वो हम रखेंगे 2 इंच। तो 2 इंच पे सिलाई लगा के बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा रेडी है, इसे हम अभी सेंटर में रख के और फिर इसे हम सिलेंगे। तो देखिए ये हमने अंदर से, ये जो हमने लास्ट में सिलाई लगाई है वो सिलाई ही हमें यहाँ ऊपर की साइड रखनी है, बाकी हम अंदर डाल देंगे ये इस तरह से। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को स्टार्टिंग और एंड में लॉक कर लीजिएगा। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करना है। सिलाई के बाद हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए, मैंने कट कर दिया। और कट करने के बाद हम इसे पलट देंगे, बहुत ईजीली ये हमारा पलट जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से हम इसे पलट लेंगे, पलटने पे ये हमारी चोली जो है ऊपर से ऐसे निकल के आ जाएगी। यहाँ पे ये पूरा हमने पलट दिया है। अब इसका ये जो साइड साइड से हिस्सा लॉक नहीं है, इसे भी हमें लॉक करना है। तो आप देखिए इसे आप कैसे लॉक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे ऐसे हम इसे अंदर की साइड मोड़ लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए लगभग 1/2 इंच के करीब में अंदर की साइड मैंने मोड़ दिया ये इस तरह से। अभी देखिए ये हमारा लॉक हो गया है। अब इस पे हम सिलाई लगा देंगे, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसे सिल लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड से सिल दिया। अब हम इसे यहाँ पे एक बार सिलाई लगा देंगे और ये जो चोली है इसे भी हम एक बार ऊपर से सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ। ये हमारा हो गया है। अब हमने अपनी ये फ्रिल ले ली है, इसे हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अपना सेकंड कलर लगा लेते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे हल्का सा नीचे करके रखना है और सिल देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम इसके बाद अपना येलो कलर लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा ऐसे चढ़ाते हुए जिससे हमारी सिलाई ना दिखे, और इसे हम सिलेंगे। फिर हमें ग्रीन लगाना है, फिर येलो, इसी तरह से इसे सिलना है। ये देखिए हमने यहाँ ऊपर तक लगा दिया है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करेंगे ये इस तरह से। ये देखिए पीछे वाले फैब्रिक बिल्कुल नहीं कट हो रहा है, जो ये वाला हमने येलो वाला लगाया है ये हमें बिल्कुल नहीं कट करना है, सिर्फ ये जो फ्रिल है वो मैं कट कर रही हूँ। ये देखें ये इस तरह से इसे हम कट कर देंगे। ये मैंने फ्रिल देखिए कट कर दी है इतनी इतनी दूर। अब हमें क्या करना है, इसकी ये जो चोली है यहाँ पे भी लगाना है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे अपना ये वाला कलर लगाएंगे, ये इस तरह से रख के और सिल देना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है, हमने इतना लगा लिया है, पास पास फ्रिल लगाई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हमने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है, हमें क्या करना है, इसे इस तरह से ऐसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिल देंगे ऐसे रख के एकदम सेंटर में इसे हम सिलेंगे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने सिल दिया। अब हम इसे ऐसे फ्रंट पे ले आएंगे और ये देखिए पहले ये इधर ये इस तरह से एक बार यहाँ से मोड़िए और एक बार यहाँ से मोड़िए। जब आप इसे सिलते हुए आएंगे तो वो आपका अपने आप ही फ्रंट पे आएगा
और आगे से वो लॉक भी हो जाएगा। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने डोरी भी लगा दी है। अब बस हमें यहाँ पे इसकी कमर पे वेलक्रो लगानी है, ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे वेलक्रो कैसे लगानी है, या आप चिटचैट बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 नंबर के कान्हा को ले लिया है। पहले मैं यहाँ इस तरह से इनके नेक पे बांध लूंगी। बांधने के बाद ये डोरी हम नीचे करेंगे और उसके बाद इसका एक हिस्सा हम यहाँ पे लेके आएंगे और इधर से इसका दूसरा हिस्सा हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये इस तरह से। ये देखिए बहुत खूबसूरत सी ड्रेस बनी हुई है। और ये देखिए ये इस तरह से आएगा। तो हमें वेलक्रो कहाँ लगानी है आप देख लीजिए, ये इतने पे ही हमें लगानी है, यहाँ ऐसे चार कोण सी। चलिए लगा लेती हूँ कट करके। ये मैंने वेलक्रो ली है, इसकी जगह आप चिटचैट बटन भी लगा सकते हैं। देखिए वेलक्रो जो हमने ली है इसमें हमारा एक रफ एरिया होता है और एक हमारा सॉफ्ट एरिया होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक हमारा बहुत हार्ड है, तो हार्ड वाला जो है वो हम ऊपर की साइड से लगा लेंगे इस तरह से ऐसे, और जो सॉफ्ट वाला है हम यहाँ कमर पे अंदर की साइड से लगाएंगे। चलिए अब दोनों को स्टिच कर देते हैं। हार्ड वाले को ऐसे उल्टी साइड से सिलाई लगाते हैं, अगर सीधी साइड से सिलाई लगा देंगे आप तो फिर आपका धागा टूटेगा बार बार। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पे 6 नंबर के काना को लिया है। अगर आप इसे 5 नंबर को पहनाना चाहते हैं तो जैसे हमने 6 नंबर को मेजर करके कमर पे अपनी वेलक्रो लगाई है, वैसे ही आप 5 नंबर को मेजर करके कमर पे वेलक्रो लगा लेंगे तो ये 5 नंबर को भी आ जाएगी। तो चलिए पहना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे अपनी जो ड्रेस है वो कान्हा को पहना दी है, और इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम डिफरेंट स्टाइल की हमने ड्रेस बनाई हुई है। तो आप भी इसे इजीली बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। बैक से आपको दिखा देती हूँ किस तरह का लुक आ रहा है, कुछ ऐसा सा आएगा, और फ्रंट से हमने देखा ही कैसा लग रहा है। तो आप भी इसे इजीली बनाइए, अपने कान्हा जी को पहनाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।